एक्चुअली क्या हुआ था कि ये आई थिंक जयपुर से वापस आए थे एंड आई वॉज जस्ट शूटिंग फॉर अ डे एंड मुझे शाम को वापस जाना था। आई थिंक मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी, तो मुश्किल से 15 मिनट हमने बात की, क्योंकि मेरे सामने वाले कॉटेज में थे, सो वी वर लाइक नेबर्स। 2011 गया 11 अगस्त अगस्त 27 अगस्त 2011। बड़ी फास्ट हो आप लोग, तेरा में शादी कर ली। हाँ जी हाँ, तो उसी में बस उतना हुआ था, कह रही तुम इतनी लेट पहुंचोगी तो जस्ट लेट मी नो कि तुम सेफली घर पहुंच गई हो, सो कैन आई हैव योर बीबी पिन। ये इस तरह का तो आपको क्या कॉन्वर्सेशन लगा कि ये बीबीपी इसलिए मांगा जा रहा है कि सच में वो है कि आप था। लड़के नहीं, मेरे दिमाग में तो सवाल आया कुछ हो भी जाएगा तो ये बड़ौदा में बैठ के क्या कर लेगा। दे देती हूँ, बट देन आई वॉज वेरी क्लियर, आई विल नॉट रिप्लाई एंड ऑल। मैं ठीक है दे देती हूँ, डजेंट लुक नाइस इफ समबडी इज जस्ट आउट ऑफ कंसर्न आस्किंग यू। ठीक है, जस्ट वंस यू रीच यू नो जस्ट लेट मी नो, ऐसे करके। नहीं, गया मेरे मेरे पापा तो बस रुके हुए थे, आए रिश्ता मांगे मैं दे दूं और ये यहाँ से जाए। नहीं तो क्या आप सीनियर हैं तो सीनियरिटी दिखाती हैं ये कितना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, सारी सीनियोरिटी इनके पास है। बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है। मुझे ये जानना है कि आप लोगों की पहली मुलाकात कब हुई थी और कब दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और कब सोचा कि आप शादी कर लेंगे, और सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ। हाँ, मुलाकात हुई हमारी, पहली भेंट हुई थी बड़ोड़ा में जब चंद्रगुप्त शूट कर रहा था, और ये उसी स्टूडियो में शनिदेव शूट करने आती थी, तो सेट्स आजू बाजू में थे, वहीं पर हमारी मुलाकात हुई क्योंकि कॉमन फ्रेंड थे डायरेक्टर हमारे, उनके थ्रू तो मुलाकात हुई, भेंट हुई। उसके बाद मैंने इनसे इनका फ़ोन नंबर मांग लिया, बीबी पिन होता था उस समय, हाँ, वो ब्लैकबेरी मांगा, फोन थे। क्यों और फिर बातचीत होनी शुरू हुई। बातचीत हुई, बातचीत होते मांगा होते आपने, अब ऐसी क्या बात अच्छी लगी, वाइब अच्छी लगी मुझे इनकी, और बहुत छोटी सी मुलाकात हुई थी, बहुत छोटी इनका सी। इंटरेस्ट था कि आपने थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखा के मांगा? नहीं, हम नहीं, बहुत कम समय के लिए मिले थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये आई थिंक जयपुर से वापस आए थे एंड आई वॉज जस्ट शूटिंग फॉर अ डे एंड मुझे शाम को वापस जाना था। आई थिंक मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी, तो मुश्किल से 15 मिनट हमने बात की, क्योंकि मेरे सामने वाले कॉटेज में थे, सो वी वर लाइक नेबर्स, सो एक हाय हेलो हुआ था, दैट्स इट। और फिर थोड़ी सी बस बात हो गई थी कि अच्छा डिले हो गई है, लेट पहुंचूंगी बॉम्बे एंड ऑल। तो इस साल 2011 2011 अच्छा 11 ग्यारह अगस्त अगस्त 27 अगस्त 2011। बड़ी फास्ट हो आप लोग, 13 में शादी कर ली। हाँ जी हाँ, हाँ, तो उसी में बस उतना हुआ था, कह रही तुम इतनी लेट पहुंचोगी तो जस्ट लेट मी नो कि तुम सेफली घर पहुंच गई हो, सो कैन आई हैव योर बीबी पिन। ये इस तरह का तो आपको क्या कॉन्वर्सेशन लगा कि ये बीबीपी इसलिए मांगा जा रहा है कि सच में वो है कि आप लड़का था। कि नहीं, मेरे दिमाग में तो सवाल आया कुछ हो भी जाएगा तो ये बड़ोडा में बैठ के क्या कर लेगा। दे देती हूँ, बट देन आई वॉज वेरी क्लियर, आई विल नॉट रिप्लाई एंड ऑल। मैं ठीक है दे देती हूँ, डजेंट लुक नाइस इफ समबडी इज जस्ट आउट ऑफ कंसर्न आस्किंग यू। ठीक है, जस्ट वंस यू रीच यू नो जस्ट लेट मी नो, ऐसे करके। तो ऐसे ठीक है, फेयर इनफ। उसे सब मेरे दिमाग में उस वक्त ज्यादा से कुछ चल नहीं रहा था। फिर कब दोस्ती उसी के बाद बातचीत करते करते, और हाँ हमको एक्चुअली ना रियलाइज ही नहीं हुआ कभी, आज तक रियलाइज नहीं हुआ है हमको कि ना कैसे वो जो पूरा एक 1.5 साल का समय था ना, वो हमको अभी तक समझ नहीं आया आज तक कि ऐसा क्या हुआ हमारे साथ। बस हुआ, आई थिंक इट वी वर डेस्टाइन टू मीट, सम थिंग्स आर रियली रियली डेस्टाइन, एंड रियली राइट स्ट्रांगली बिलीव इन दिस थिंग। हमारे लिए तो मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन था कि वो, क्योंकि वो समय याद ही नहीं है हमको एक्चुअली। बिकॉज़ ही वाज शूटिंग इन बड़ोड़ा, सडनली वी मेट एंड देन आफ्टर दैट हिज एंटायर शूट गॉट शिफ्टेड टू बॉम्बे विद इन आई थिंक 15 15 20 डेज दे वर इन बॉम्बे, वाज इन बॉम्बे शूटिंग, दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड मीटिंग मोर कि शूट हाँ, तो आसपास। हाँ बातचीत थी, होती बस थी, ऐसे था। भेंट मुलाकातें होती थी, बातचीत होती थी, बाहर जाते थे, और आई थिंक हमको शायद एक दूसरे की जो पर्सनालिटीज हैं वो बहुत पसंद आई, और वो हमने कभी डेट नहीं किया एक दूसरे को, करेक्ट, मतलब वी नेवर हाँ रियली डेटेड। हम मिले, हमने बातचीत की, हम लोगों ने हमें दोस्ती, बहुत गहरी दोस्ती हुई, और फिर सीधे शादी, तो आई थिंक हम दोनों क्लियर थे कि शादी करनी है। करेक्ट। तो घर में आपकी क्या रिएक्शन था? मैं ज्यादा आपकी पूछूंगा, ये तो बॉम्बे में पली बड़ी है, तो थोड़ा सा उनकी अंदर उदारता होती है किसी भी चीज को लेकर, लेकिन जयपुर में माता पिता थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं कि हम बहू लाएं वो अपने जात विरासत में देख जाए। नहीं, थैंकफुली और सरप्राइजिंगली मेरे माता पिता बहुत खुले विचारों के, और उनकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी।
उनको ना कभी ये कोई भी किसी भी तरह का उनको कोई क्राइटेरिया नहीं था दुल्हन को लेकर की, और उन्हें एक्चुअली कोई क्राइटेरिया था ही नहीं मुझे लेकर, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अपने पसंद से अपनी मर्जी से और अपने ही तरीके से करूँगा जो भी करूँगा, क्योंकि मैं उसके पहले भी सब कुछ वैसे ही करता था अपार्ट फ्रॉम शादी। तो मैंने अपने तरीके से अपना जीवन जिया था और उन्होंने मुझे वो उस तरह से बनाया था, उतना इंडिपेंडेंट बनाया था कि मैं अपने निर्णय खुद ले सकूं, अपने तरीके से अपना जीवन जी सकूं, अपना सही गलत समझ सकूं। और वो आई थिंक उन्होंने बचपन में कर दिया था अपब्रिंगिंग के अंदर ऐसा। सो उनकी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं आई, एंड दे वर वेरी हैप्पी टू मीट अर्चना ऑल्सो, कि बहुत खुश हुए थे मिलकर कि समझदार लड़की से शादी कर रहा है। और रिलीजन तो कभी बीच में आया ही नहीं, ये सब तो कभी ना मेरे पेरेंट्स की तरफ से आया ना कभी अर्चना के पेरेंट्स की तरफ से आया। दे वर मोर हैप्पी कि हम एज इंडिविजुअल्स कौन हैं और वी हैव चोजन द राइट पर्सन। तो अब दूसरा सवाल आपसे पूछने का मतलब नहीं, मतलब आप यहाँ भी एक्सेप्ट हो गया था? नहीं, मेरे पापा तो बस रुके हुए थे, आए रिश्ता मांगे, मैं दे दूं और ये यहाँ से जाए।